माननीय राष्ट्रपति जी, ये मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि भारतीय विदेश सेवा 2018 बैच के प्रत्येक प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा किए गए सबसे यादगार यात्रा के सामूहिक अनुभवों को आपके समक्ष रखने का अवसर मुझे मिला है। यह अविस्मरणीय यात्रा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 93 फाउंडेशन कोर्स के साथ शुरू हुई। इस कोर्स के बाद हमारा डोमेन विशेष से संबंधित प्रशिक्षण विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत ओरिएंटेशन मॉड्यूल से हुई, जिसमें हमें माननीय विदेश मंत्री, माननीय विदेश राज्य मंत्री और भारत सरकार के विदेश सचिव से मिलने का अवसर मिला, जहां उन्होंने सार्वजनिक सेवा से संबंधित अपने विविध और अपार अनुभवों को हमसे साझा किया। ओरिएंटेशन मॉड्यूल के बाद 10 सप्ताह लंबा फेज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति, रक्षा कूटनीति, पासपोर्ट और वीज़ा मुद्दों से लेकर डायस्पोरा प्रबंधन तक के गहन मॉड्यूल शामिल थे। पहले फेज़ के बाद 7 सप्ताह लंबा दूसरा फेज़ शुरू हुआ, जिसमें वाणिज्यिक, व्यापार एवं सांस्कृतिक कूटनीति जैसे मॉड्यूल्स के अलावा थीसिस लेखन और प्रस्तुतिकरण, खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल थे, जिससे प्रशिक्षु अधिकारियों को अपनी विविध प्रतिभाओं को भी उजागर करने का अवसर प्राप्त हुआ। रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के राजदूतों के व्याख्यान और इंटरैक्टिव सत्रों से हमें विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद और महत्व का भी एहसास हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रशिक्षण ने हमें अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों से परिचित कराया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण, घरेलू आर्थिक विकास, वैश्विक संस्थाओं में भारत का नेतृत्व और हमारी संस्कृति एवं सभ्यता जो वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित है, उसको विश्व पटल पर लाने का प्रयास करना ताकि विश्व स्तर पर सार्वभौमिक मानवतावाद, शांति और समृद्धि निरंतर बनी रहे। प्रशिक्षण ने हमें कुशल तरीके से उक्त विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में, हमारी भूमिका को समझने में मदद की। माननीय राष्ट्रपति, हम 2018 बैच के 39 भारतीय विदेश सेवा अधिकारी आपको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, सीनियर ऑफिसर्स एंड कलीग्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर मी टू टॉक अबाउट आवर फील्ड विजिट्स एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द अदर एस्टीम्ड डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर टुडे। सर, आवर फर्स्ट फील्ड अटैचमेंट वॉज विद द रायसीना डायलॉग इन जनवरी। Here, we got the first-hand experience of India's growing importance in the world as we attended the talks by distinguished speakers, panelists, and delegates from over 93 countries. Next, we were attached with the Pravasi Bhartiya Divas in Varanasi and Kumbh Mela in Prayagraj, where we witnessed India's engagement with its overseas citizens and got the ground-level experience in the organization of such a large-scale event. Further, we went on a week-long mission attachment in different groups to Bangladesh, China, Nepal, and Sri Lanka to understand the functioning and responsibilities of an Indian mission abroad. Sir, next we proceeded on Bharat Darshan in different groups covering the length and breadth of India. We were mesmerized by the rich diversity and culture of this great country, and we strengthened our resolve to represent India to the best of our abilities. After this, we went on army attachment in different groups to the Northern and Eastern Commands, where we briefly experienced the tough life of a soldier and witnessed with great pride their courage and resolve to protect their country. We went on a cyber attachment to the Gujarat Forensic Sciences University to learn about various cyber threats and the best practices in cyber security. Next, we went on a three-day state attachment wherein each of us went to the state that we will represent throughout our diplomatic careers. Sir, we were also attached with the External Publicity Division of the Ministry of External Affairs, in which we executed a mock press conference and got an insight into the media engagement exercise undertaken by the ministry. Next, we had an attachment with the Bureau of Parliamentary Studies and Training, where we attended various sessions highlighting the functioning of our parliament. We had a day-long hospitality attachment to provide us lessons in dining etiquettes and our hosting responsibilities as officers engaging with people from different countries. We also had a day-long protocol attachment wherein we were briefed about the mandate and responsibilities of the protocol division of the ministry.
Apart from this, we had a field visit to a passport seva kendra to acquaint us with the process involved in the making and the issuance of a passport. As lessons in cultural diplomacy, we also had visits to the National Gallery of Modern Art and Gandhi Smriti. Most recently, we visited the petroleum refinery in Panipat to know about the world-class facilities available with the Indian oil, enabling us to promote the brand name internationally. Sir, we are all eagerly looking forward to our desk attachment with the various divisions in the ministry. Thank you.